दोस्तों ये देखिए, एक मेरे हाथ में छोटा सा पक्षी है और ये कबूतर का बच्चा है। और इस तरह से बहुत सारे पक्षियों के बच्चे जो है कई बार गिर जाते हैं, हमारे घरों की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक दो दिन पहले इस पेड़ से गिरा है। क्या होता है जब इस तरह से आप देख रहे हैं इस पक्षी को, दिखाएं आप जूम करके ना, बिल्कुल ही छोटा पक्षी है, पूरी तरह से अभी उड़ना नहीं जान पाए। तो ऐसे पक्षियों को अगर हम केयरिंग करें तो बड़ी समस्या होती है कि हम इसको कैसे संभालें, कैसे पालें या क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे सामने। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम क्या खिला सकते हैं और किस तरह से खिलाएं। इसके लिए हमें चाहिए एक सिरिंज। आप इस तरह से एक सिरिंज ले लीजिए और इसके अलावा हमें चाहिए वो पाइप जो कैनूला में लगी रहती है ना ग्लूकोज के साथ, ये पाइप इस सिरिंज के साथ होती है। इतना ही, ज़्यादा नहीं। यह टुकड़ा हमने ले लिया है। अब इसे इस सिरिंज के साथ में यहाँ पे देखिए, सिरिंज के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसके अंदर आराम से डल जाएगा। अच्छे से टाइट डाल लेंगे, ये डल गया टुकड़ा इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, हम एक बिस्किट लेते हैं जिसके अंदर कोई क्रीम वाला बिस्किट ना हो, नॉर्मल बिस्किट हो। इस तरह से एक बिस्किट रखते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं हल्का सा, जिससे ये ना ज़्यादा पतला हो ना थोड़ा गाढ़ा हो। इस तरह से ये एक लिक्विड अभी बन के तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको 5 ml तक भर लेते हैं। पूरा 5 ml हमने इसको भर लिया है। जो ये हमने लिक्विड तैयार किया है सिरिंज में, वो इसके ये जो गले के नीचे जो पोटा बोलते हैं इसको, यहाँ तक इसको डालेंगे। सिरिंज को ज़्यादा पाइप बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर पूरा इसको भर देंगे। तो इस तरह से पीछे से हम पकड़ेंगे दोनों हाथों से इसकी चोंच को, और जब चोंच को हम खोलते हैं देखिए इस तरह से, तो जो पीछे वाले हाथ है वो हम इसके यहाँ पर लगा लेते हैं, यानी चोंच खुल जाए पूरी तरह से और इस चोंच के अंदर हम इसको डाल दें। थोड़ा सा मेहनत का काम है इसे, लेकिन ये इस तरह से हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम देखिए, ये बार बार हिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और अब इसके अंदर हम इसको पाइप को डाल के उसको इसके अंदर फिलअप कर देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसका भोजन अंदर चला गया, इसने निकल लिया है पूरा। ये दिखाई दो, तो इसने, हमने 5 ml भरा था उसमें से थोड़ा बहुत निकल गया, बाकी इसने पी लिया है। तो ये है इसका एक तरीका, एक भोजन खिलाने का बहुत अच्छा माध्यम है। आप इस तरह से बिस्किट बनाएं, उसमें कभी कुछ चेंज भी कर सकते हैं, और जब तक ये उड़ने लायक ना हो जाए तब तक आप इसको इस सिरिंज के माध्यम से इसके अंदर इसको खिला सकते हैं। तो इसमें पानी की मात्रा भी है और उसके भोजन की मात्रा भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।